वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस इन पाइथन फंडामेंटल्स. नेक्स्ट इज प्रोग्राम. प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न द प्रोसेसिंग. प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो गवर्न करता है किसको? प्रोसेसिंग को. पाइथन. नेक्स्ट इज पाइथन कैरेक्टर सेट. कि कौन से कैरेक्टर अपन पाइथन के अंदर काम में लेते हैं. कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज. जो पाइथन लैंग्वेज है वो किसको रिकॉग्नाइज करती है, कौन कौन से कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करती है, वो क्या है? यहाँ पे जो वैलिड कैरेक्टर का जो सेट है उसे अपन क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट कहते हैं. तो कहने का मतलब ये हो गया कि कौन कौन से कैरेक्टर अपन पाइथन के अंदर काम में लेंगे. कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर डिजिट और अदर सिंबल. कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी लेटर को, किसी डिजिट को या फिर किसी सिंबल को. जिसमें अपन कहते हैं कि फर्स्ट आता है ए टू जेड, कैपिटल और स्मॉल. कैपिटल और स्मॉल दोनों में अपने काम में आता है. नेक्स्ट इज डिजिट 0 to 9. स्पेशल सिंबल जस्ट लाइक प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्लेश है, बैक स्लेश है, पैरांथीसिस है, अपने कर्ली ब्रेसेज है, डबल स्लेश है, हैस, इक्वल, एक्सक्लेमेटरी साइन, एंगल ब्रैकेट, या अपन कह सकते हैं ग्रेटर देन या लेस देन. इसके अलावा अपन बात करें वाइड स्पेस, तो ब्लैंक स्पेस है अपना, टैब्स है, क्या न्यू लाइन जो अपन आगे पढ़ेंगे. अदर कैरेक्टर कोई भी आस्की कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी यूनिकोड कैरेक्टर हो सकता है. ये सारे कैरेक्टर अपने किस में काम में आते हैं? अपने पाइथन के अंदर काम में आते हैं. और इन सब का अगर अपन कॉम्बिनेशन करते हैं वो क्या बन जाता है? कैरेक्टर सेट. नेक्स्ट इज टोकन्स. द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन और लैक्सिकल यूनिट. कि प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे अपन क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? लैक्सिकल यूनिट कहते हैं. तो देखिए यहाँ पे टोकन का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि प्रोग्राम जब बनता है तो स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनता है, स्मॉल स्मॉल यूनिट से बनता है, और वो हर एक यूनिट क्या यहाँ पे होगी? टोकन. इस लाइक अपन ने एक एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें अपन ने क्या कर रखा है? प्रिंट स्टेटमेंट है अपना, प्रिंट के अंदर ये प्रिंट फंक्शन है, देन अपना पैरांथेसिस स्टार्ट हो रहा है, देन डबल कोटेशन मार्क है, इसके बाद में अपन ने लिखा वी आर चैंपियंस, देन अपना डबल कोटेशन मार्क क्लोज हो रहा है, और देन अपन ने पैरांथेसिस को क्लोज किया है. तो ये सारे के सारे जस्ट लाइक प्रिंट स्टेटमेंट हो सकता है, कल जो अपना पैरांथेसिस ओपन हो रहा है वो है, डबल कोटेशन मार्क है, वी है, आर है, चैंपियन है, या डबल कोटेशन मार्क अगेन क्लोज हो रहा है, या फिर अपना पैरांथेसिस क्लोज हो रहा है, ये सारे के सारे क्या अपने आप में टोकन है. अगर अपन बात करें तो अपना जो सिंपल एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? तो देखिए अपन एक एग्जांपल लिया एक सिंपल प्रोग्राम का, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है हैश के साथ लिखा है ए सिंपल प्रोग्राम. आगे मैंने लिखा है रिप्रेजेंट ए कमेंट. देखिए हैश के साथ अगर अपन कुछ भी लिखते हैं तो उसे अपन कहते हैं कमेंट. और कमेंट क्या होता है? उसको इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, वो उसको चेक नहीं करता है और ना ही उसको एग्जीक्यूट करता है. तो जब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, तो ये प्रोग्राम में काम किस लिए आएगा? देखिए प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? अपना कमेंट काम में लेते हैं. जब भी अपन को प्रोग्राम में कुछ समझाना हो, जिसको आपका इंटरप्रेटर है वो उसको क्या ना करे, वो एग्जीक्यूट ना करे, और जो रीडर है या अपन कह सकते हैं जो यूजर है वो उसको पढ़ पाए, तो वहाँ अपन क्या काम में लेते हैं? कमेंट काम में लेते हैं. तो हैश के साथ जो भी अपन लिखते हैं, मैंने नॉर्मली यहाँ पे लिखा है ए सिंपल प्रोग्राम. एक प्रोग्राम का ये क्या है? एक सैंपल है. नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेम. देखिए कमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी लाइन है वो कमेंट हो सकती है. जैसे मैंने एक प्रोग्राम का यहाँ पे एक टेम्पलेट लिया है जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है नेम इज इक्वल टू अन्य. देखिए नेम है, एज है और कंट्रीब्यूशन, ये तीनों ही अपने आप में क्या है? वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स क्या करते हैं? वैल्यू को कंटेन करते हैं. यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप प्रोग्राम में इंटर करोगे तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी? वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी. हालांकि पाइथन है वो क्या करता है? वैल्यू को लिंक करता है. पर कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर पॉकेट के अंदर अपन अपने पैसे डालते हैं, वैसे पॉकेट क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है. और पैसे क्या हो जाते हैं? यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, या फिर अपन कह सकते हैं लिटरल होते हैं. तो यहाँ पे नेम, एज और कंट्रीब्यूशन, ये तीनों क्या है? वेरिएबल्स है जो किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे.
नेक्स्ट अपना आता है, तो देखिए नेम के आगे मैंने क्या लिखा, अन्य। अन्य अपने आप में क्या है, एक अल्फाबेटिक वैल्यू है, तो इसको अपन कहते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू, या अपन कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। जो भी अल्फाबेटिक वैल्यू होगी जैसे डबल कोटेशन में, सिंगल या ट्रिपल कोटेशन में अपन लिखेंगे, वो क्या होगा अपना स्ट्रिंग होगा। नेक्स्ट अपन लिखा एज इज इक्वल टू 15, तो एज तो अपना क्या हो गया वेरिएबल, और 15 यहाँ पे क्या इंटीजर वैल्यू है, या अपन कह सकते हैं इंटीजर लिटरल है। नेक्स्ट अपन लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या एक वेरिएबल है, और यहाँ पे वैल्यू लिखी है 710.75, ये क्या है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, या फिर अपन कह सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, जो आपकी वैल्यू पॉइंट्स में आती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू, या इसे रियल वैल्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन ने लिखा प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे क्या है, देखिए प्रिंट यहाँ पे एक मेथड है, फंक्शन है, और ये क्या कर रहा है आउटपुट का काम कर रहा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। ये कंप्लीट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होगा आउटपुट स्टेटमेंट होगा, इस कंप्लीट को अपन क्या बोलेंगे आउटपुट स्टेटमेंट, जिसके अंदर प्रिंट एक फंक्शन है जो आउटपुट देने का काम कर रहा है। अब देखिए क्या क्या आउटपुट दे रहा है, ये जितने भी मैंने नाम लिख रखे हैं, नेम है, एज है, इसके अलावा हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूशन, ये सारे क्या है पंचुएटर्स है, सॉरी ये सारे यहाँ पे क्या है आर्ग्यूमेंट है। अब अपन ने आर्ग्यूमेंट को अलग अलग तरीके से लिखा है, उनको कोमा से सेपरेट किया है, तो इसे अपन क्या कहते हैं पंचुएटर कहते हैं। पंचुएटर से यहाँ पे क्या हो सकते हैं अपने, इस लाइक यहाँ पे जो पैरांथिसिस ओपन है ये पंचुएटर्स है, कोमा है ये पंचुएटर है, डबल कोटेशन है ये भी क्या अपने आप में पंचुएटर, पंचुएटर बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं सेपरेटर्स, जो अलग करता है किसी को। अब देखिए अपन ने किया क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है नेम, नेम का मीन्स यहाँ पे क्या अन्य, तो नेम मैंने यहाँ पे लिखा है, जो वेरिएबल का नाम लिखा है ये किसको प्रिंट करेगा अन्य को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट अपन ने क्या लिखा है एज, ये डबल कोटेशन में लिखा है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डबल कोटेशन में जो भी अपन वैल्यू लिखते हैं वो एज ए मैसेज प्रिंट होती है, तो सबसे पहले प्रिंट क्या हुआ अन्य, उसके बाद में क्या होगा प्रिंट, एज प्रिंट हो जाएगा ऐसा कैसा। नेक्स्ट क्या है अगेन एज, तो देखिए ये एज वेरिएबल है, ये क्या था एक मैसेज था, एज है, एज के अंदर क्या है 15, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा अन्य एज और देन 15, उसके बाद में अगेन अपन ने एक मैसेज दिया हैज कंट्रीब्यूटेड, ये ऐसा कैसा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और देन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है एक वेरिएबल, वेरिएबल को अपन प्रिंट करते हैं इट मीन्स उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो वैल्यू इसमें क्या है 710.75, तो इसका जो आएगा आंसर ये क्या आएगा 710.75। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपना एक प्रोग्राम है जिसमें अपन ने क्या प्रिंट किया है नेम, एज और कंट्रीब्यूशन, किसके साथ एज और हैज कंट्रीब्यूटेड मैसेज के साथ, तो ये वन बाई वन क्या करेगा अपनी वैल्यू या कोई मैसेज प्रिंट करता जाएगा, तो सबसे पहले आएगा अन्य एज 15 हैज कंट्रीब्यूटेड 710.75, ये अपना इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि ये क्या है कि अगर अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे लाइक कोई कमेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, या अपन कह सकते हैं लिटरल्स हो सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोटिंग स्ट्रिंग हो, और या फिर आउटपुट स्टेटमेंट हो सकता है, और आउटपुट स्टेटमेंट में अपन आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो किसके साथ देते हैं सेपरेटर्स के साथ देते हैं या पंचुएटर्स के साथ देते हैं, यहाँ पे पंचुएटर्स को ही क्या कहा जाता है सेपरेटर्स। तो ये अपना एक प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे अपन इसको बनाएंगे। थैंक यू।